पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर शुक्रवार को हुआ था हमला। टीएमसी नेता शारजा शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। हमले में ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल। बंगाल के राज्यपाल ने गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। ममता सरकार को भी चेताया, कहा ये ईडी की टीम पर हमला चिंताजनक और निंदनीय। बर्बरता रोकना सरकार का कर्तव्य। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। कहा ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी पर रहने का हक नहीं। ममता के गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को अस्पताल जाने से पुलिस ने रोका। घायल ईडी अधिकारियों से मिलने जा रहे थे सुकांत मजुमदार। कहा बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति। बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निंदा की। कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म। पश्चिम बंगाल में तानाशाह किम जोंग की तरह काम कर रही है सरकार। उत्तर 24 परगना में ईडी टीम पर हुए हमले पर एसपी डॉक्टर जॉबी थॉमस ने सफाई दी। छापेमारी के लिए जा रही ईडी टीम के साथ भेजी गई थी पुलिस टीम। वहां पहुंचने पर भीड़ को हुई जानकारी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर बोला हमला का। सीएम ममता की नाक के नीचे चल रहा जंगल राज। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। कहा पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया। ईडी पर हमले की एनआईए जांच होनी चाहिए। अब आइए नौ सेकंड न्यूज में खबरें 2024 के चुनाव से जुड़े हुए। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी ने पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। कहा हर घर तक डबल इंजन सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए करे काम। 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज पीएम जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में होंगे शामिल। 3 दिवसीय सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और नई तकनीक के खतरे को लेकर चर्चा होगी। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। पीएम मोदी के सामने सीएम भजन लाल शर्मा ने ऐलान किया अन्नपूर्णा योजना के जरिए जरूरतमंदों को नाश्ता और भोजन दिया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी जारी करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 बजे मुख्यालय में लोगो जारी करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक होगी यात्रा। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की न्याय यात्रा पर बोला हमला। कहा देश को बांटने और तोड़ने वाले निकाल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा यात्रा का लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पहले भी राहुल की यात्रा रही है बेनतीजा। लोकसभा चुनाव 2024 में कमजोर उम्मीदवारों को हटाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छंटनी के लिए 5 सदस्यीय स्क्रीनिंग टीम का गठन किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। कहा बिहार में कांग्रेस की 9 से 10 सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश। नीतीश लालू के अलावा और भी दलों की राय जरूरी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। 22 जनवरी को बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे केजरीवाल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। लोकसभा क्षेत्र में होगी जनसभा। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने विकास के मुद्दों पर बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर विचार करे बीजेपी। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश तेजस्वी पर कसा तंज। कहा एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं दोनों। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के जाल में फंसे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।